आइए बच्चों, अब हम बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरीज का अंतिम पार्ट, तीसरा और फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। आफ्टर लंच टाइम, लंच के बाद, बिपिन बाबू रियलाइज्ड, बिपिन बाबू ने महसूस किया दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट इज डेस्क। वह अपने डेस्क पर नहीं बैठ सकता एंड वर्किंग और काम नहीं करता कर सकता। दिस हैड नेवर हैपेंड, ये कभी नहीं हुआ। इन द 25 ईयर्स, 25 सालों में, ही हैड बीन विद द फर्म, वह जब से संस्था के साथ था। ही हैड रेपुटेशन, उसकी अपनी एक रेपुटेशन थी, जत्थी सम्मान था फॉर बींग ए टायरलेस। वह हमेशा टायरलेस रहता था, कभी नहीं थकता था। कंसेंसस, और सावधान रहता था और स्टीक काम करता था, स्टीक वर्कर था। कंसेंसस मीन्स सावधान और स्टीक वर्कर। बट टुडे, लेकिन आज, हिज हेड वॉज इन ए वर्ल, उसका जो सिर था, दिमाग था, वर्ल में था, चकरा रहा था, भ्रमित था। बैक होम एट 2:30, वापस जाता है वह 2:30 बजे घर पे। बिपिन बाबू लेट डाउन, वह लेट जाते हैं इन बेड, बेड पर, एंड ट्राइड, उन्होंने कोशिश की टुगेदर, इकट्ठा करने की, हिज विट्स, अपनी पूरी बुद्धि को, टुगेदर एक साथ, ही न्यू, वह जानते थे दैट इट वॉज पॉसिबल, यह संभव था, टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी, की किसी की मेमोरी लूज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, इन द हेड, सिर में। बट ही डिडेंट नो, उसे नहीं पता था, ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस, एक भी उदाहरण, ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट, कि सब कुछ याद हो और एक पार्टिकुलर इंसिडेंट, घटना याद ना हो, ऐसा कुछ याद था नहीं उसको। एंड ए फेयरली रिसेंट, और एक काफ़ी हाल ही की, एंड सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण वन, एट दैट ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड, जो वो हमेशा चाहता था, टू गो टू रांची, रांची जाना चाहता था, टू हैव गोन देयर, वहाँ जा चुका होता, डन थिंग्स, काम करता वह वहाँ पर, एंड नॉट टू रिमेम्बर, और उसे स्मरण नहीं होता, वाज समथिंग अटरली, वह पूरी तरह से असंभव था, इम्पॉसिबल था। एट 7:30, 7:30 पर, 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड, उसने कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नी बाबू आए और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि वह किस लिए आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, क्योंकि वह उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम, उसका थोड़ा ख़राब समय चल रहा था लेटली, हाल ही में, एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, वह उसको सोच रहा था कि कोई काम दिलवा देंगे। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था, टू डू एनी थिंग, कुछ करना फॉर हिम, उसके लिए, एंड इन फैक्ट, वास्तव में, टोल्ड हिम सो, उसने उसको ये बताया। बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग, चुन्नी आता रहा, अप लाइक ए बैड पैनी, एक बैड पैनी यानी बिन बुलाए मेहमान की तरह, यानी टर्निंग अप लाइक ए बैड पैनी का अर्थ है बिन बुलाया मेहमान। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, तो बिपिन बाबू ने अपने नौकर को वर्ड बोला दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि वो अभी चुन्नी से नहीं मिल सकते, बट नॉट इन ए सेवरल वीक्स, और कुछ सप्ताह में भी नहीं। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, जैसे ही नौकर ने कदम बाहर रखा ऑफ द रूम, कमरे से, इट स्ट्रक, यह लगा बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर, वह याद रखेगा, समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि चुन्नी को याद होगा सन 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म, कोई हानि नहीं थी इन आस्किंग हिम, कि उससे पूछ ले। बिपिन बाबू हरिड डाउन, उन्होंने जल्दी की, द स्टेयर्स, नीचे गए, एंड इन टू द लिविंग रूम, चुन्नी वॉज अबाउट टू लिव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सींग बिपिन, बिपिन को देख के, बाबू, बिपिन बाबू को अपियर, ही टर्न राउंड, वह मुड़ा होपफुली उम्मीद में। बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की नहीं फेंको, बीट अबाउट द बुश मीन समय व्यर्थ न गवाना, यानी इधर उधर की मत फेंको। लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है, एंड यू हैव बीन सींग मी ऑफ, और तुम मुझे ऑफ करने भी गए थे, एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत पहले, जस्ट थ्रो योर माइंड, और अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, बैक एंड टेल मी, मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची में गया था। चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा, 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वाज इट 59, हो सकता है 58 हो या 9, यू आर श्योर, तुम निश्चित हो दैट आई डिड गो टू रांची, मैं रांची गया था। चुन्नी लुक्स, चुन्नी जो लुक, चुन्नी की जो लुक है ऑफ अमेजमेंट, हैरानी भरी, वाज नॉट अनमिक्सड, अनमिक्सड नहीं थी, वह अमिश्रित थी विद वर्री।
वर्री से, चिंता से। डू यू मीन यू हैव डाउट्स, क्या तुम्हें डाउट है अबाउट हैविंग गोन एट ऑल, कि तुम वहाँ गए थे। डिड आई गो, क्या मैं गया। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पे बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग, और उसकी तरफ फिक्स होकर देखने लगा। हार्ड स्टेयर, और उसको घूरने लगा। एंड सेड, और बोला। बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स, क्या तूने आज ड्रग्स ले लिए, और समथिंग कुछ और। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा साफ सुथरा रिकॉर्ड है। वेयर सच ए थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ तक इन चीज़ों का संबंध है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ओल्ड फ्रेंड्स डोंट मीन मच टू यू, के पुराने दोस्तों की तुम्हारे लिए ज़्यादा मतलब नहीं है। बट एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, यू हैड ए गुड मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत बड़ी अच्छी है। यू कांट रिलाई, तो यू कांट रियली मीन, तुम्हारा सचमुच में यह मतलब नहीं है। दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, अब उसको थोड़ा मुड़ना पड़ा, क्योंकि चुन्नी ऐसा लग रहा था संकालू सा, इनक्रेडुलस, और घूर रहा था। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, दैट माई लास्ट जॉब वाज, आज चुन्नी लाल, कि मेरी जो लास्ट जॉब क्या थी, वट माई लास्ट जॉब वाज। ऑफकोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, दैट एंड यू डोंट रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है, दैट इट वॉज आई, मैं था, हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, मैंने तुम्हारा टिकट बुक कराया था रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पे गया था, टू सी यू अप, तुम्हें छोड़ने। वन ऑफ द फैंस, एक पंखा था जो इन योर कंपार्टमेंट, तुम्हारे डिब्बे में, वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन, और मैं एक इलेक्ट्रीशियन लेके आया था टू फिक्स इट, इसे ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल चुके हो। एवरीथिंग वट एवर इज द मैटर, जो भी बात हो विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। यू नो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू शायद, उसने आह भरी। हैंड शू की जेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बड़ा कठोर परिश्रम कर रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा, एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, वह कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग करनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी एक स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञ से, डाउटलेस, बिना किसी डाउट के। इट वॉज बिपिन कंडीशन, ये उसकी हालत थी। विच मेड चुन्नीलाल लीव, तो चुन्नीलाल लीव चला गया विदाउट मैंसनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, जॉब के बारे में कोई वर्णन किए। परेश चंदा, परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन, एक फिजिशियन था, विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उसकी अच्छी आंखें थी, एंड ए शार्प नोज, उसकी नाक बड़ी पैनी थी। ही बिकेम थॉटफुल, और वह बड़ा विचारवान था। वैन ही हर्ड, जब उसने सुना अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, बिपिन बाबूज के जो लक्षण थे। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा डेस्परेटली, निराशापूर्वक। यू मस्ट क्योर मी, तुम्हें मुझे ठीक करना ही होगा, ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयंकर बीमारी से। हॉरिबल मीन्स भयंकर। आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, हाउ इट इज अफेक्टिंग, कि ये कैसे प्रभावित कर रही है माई वर्क, मेरे काम को। डॉक्टर चंदा सू की जाए, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर लाया। यू नो, तुम जानते हो। वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील, मैंने कभी ऐसा डील नहीं किया विद केस, ऐसा केस मैंने कभी पहले हैंडल नहीं किया। सच एज योर, जैसा आपका है, फ्रेंकली, स्पष्ट रूप से कहता हूँ, दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड, मेरे क्षेत्र से बाहर है ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के। बट आई हैव वन सजेशन, मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ इट विल वर्क, कि ये काम करेगा। बट इट इज वर्थ, ये अच्छा है, ए ट्राई, एक कोशिश। इट कैन डू नो हार्म, इससे हानि नहीं होगी। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड, वे आगे को झुका, एनेक्सियसली, बेचैनी पूर्वक। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेक आउट मीन समझना, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि तुम्हारी भी वही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, किसी ड्यू टू मीन्स के कारण, किसी अननोन रीजन के कारण, द एंटायर एपिसोड, पूरी घटना हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारे माइंड से खिसक चुकी है। वट आई सजेस्ट, जो मैं सुझाव देता हूँ, इज दैट यू गो टू रांची, तुम रांची जाओ वंस अगेन, एक बार फिर। द साइट ऑफ द प्लेस, जो दृश्य है उस स्थान के, में रिमाइंड, वे याद दिला सकते हैं यू ऑफ योर ट्रिप, तुम्हारी यात्रा के बारे में। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और मैं कुछ नहीं कर सकता
आई एम प्रिस्क्राइबिंग, मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, निर्देश कर रहा हूँ। ए नर्व, स्नायुटोनिक, स्नायुटोनिक की दवाई दे रहा हूँ मैं। एंड ट्रंक्विलाइजर, और एक जो ट्रंक्विलाइजर होती है जो शांति वर्धक दवाई देती है, स्लीप जिससे आप सो सको, इज एसेंशियल, नींद है जो एसेंशियल है, आवश्यक है। और द सिम्टोम्स, और जो लक्षण है, विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब मोर ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर, उसने थोड़ा महसूस किया बेटर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोकर्ड, और फिर प्रोकर किया, प्राप्त किया, प्राप्त कराया ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद रांची में, गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरते हुए, एट रांची, नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, एट वंस तुरंत, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वह पहले यहाँ कभी नहीं आया है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से बाहर आया, टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली, एंड ड्रोव अराउंड, और उसमें गाड़ी में गया, टैक्सी में, द अराउंड द टाउन, टाउन के चारों तरफ, फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट द स्ट्रीट्स, जो गलियाँ थी, द बिल्डिंग्स थी, द होटल्स थे, एंड द बाजार्स, और बाजार्स थे, द मोराबादी हिल, मोराबादी हिल थी, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, इनसे उनका स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी एक्वेंटेंस, परिचय नहीं था। वुड ए ट्रिप टू बी हुड्रू, जो हुड्रू की जो यात्रा थी, हुड्रू फॉल्स की, हेल्प की मदद कर सकती थी। ही डिडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं था, सो बट एट द सेम टाइम, उसी समय, ही डिडंट विश, वह नहीं चाहता था टू लीव, वहाँ से जाना, विद द फीलिंग, इस फीलिंग से, दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, कि उसने पूरी कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज, उसने प्रबंध किया फॉर ए कार, एक कार का, एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू, हुड्रू जो फॉल था वहाँ पर, चल पड़ा उसकी तरफ, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, दोपहर के बाद। एट फाइव ओ क्लॉक, 5:10, सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर बाद, इन हुड्रू, हुड्रू में, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो पिकनिक पे जाने वाले दो गुजराती जेंटलमैन थे, डिस्कवर्ड उन्होंने पाया बेपन बाबू को लाइंग पड़े हुए, अनकॉन्शियस, बेहोश, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश, बीसाइड ए बोल्डर, एक चट्टान के पास, बोल्डर मीन्स एक बड़ी चट्टान या पत्थर। वैन ही केम राउंड, जब वह होश में आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, उसने कही वाज, आई एम फिनिश्ड, कि मैं तो समाप्त हो गया, देर इज नो लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट कि देर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, सून, जल्दी ही वुड लूज एवरीथिंग, वह सब कुछ खो देगा। हिज विल, उसकी जो इच्छा थी टू वर्क, काम करने की, हिज कॉन्फिडेंस, और उसका जो भरोसा था, हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और उसका संतुलन दिमाग का, वाज ही गोइंग टू एंड अप, क्या उसका एंड होने जा रहा है, इन द असाइलम, एक पागलखाने में, असाइलम मीन्स पागलखाना। एट बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, उससे ज़्यादा बिपिन बाबू नहीं सोच सके। बैक होम, वापस घर पर, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, टू कम ओवर, आने के लिए। देन आफ्टर ए शावर, एक स्नान के बाद, ही गोट इन टू बेड, बेड पे चला गया, सो गया, विद एन आइस बैग, एक आइस का मोटा सा बैग सब बांध के, क्लैम्प्ड, क्लैम्प्ड माने बांधा, ऑन हिज हेड, अपने सिर पे। जस्ट देन तभी द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, तभी नौकर उसके लिए एक पत्र लेकर आया विच समवन हैड लेफ्ट, जो किसी ने छोड़ा था, इन द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में एक ग्रीनिश एनवल, एक हरा हरा लिफाफा था, विद हिज नेम इन रेड इंक, लाल शाही से उसका नाम लिखा था, ऑन इट, इस पर, अबोध नेम, नाम के ऊपर, इट सेड अर्जेंट, और ये लिखा हुआ था, आवश्यक है, ये अर्जेंट मीन्स आवश्यक, एंड कॉन्फिडेंशियल, और कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल मीन्स गोपनीय, इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, उसकी जो हालत है। बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग, उसको फीलिंग हुई, दैट ही ऑट टू गो थ्रू, उसे पढ़ना चाहिए, गो थ्रू मीन्स पढ़ना है यहाँ पे, द लेटर। ही टोर ओपन द एनवेलप, उसने लिफाफे को खोला, एंड टुक आउट द लेटर, लेटर निकाला, दिस इज व्हाट ही हैड, और ये जो है उसने पढ़ा।
डियर विपिन, डियर विपिन आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई विचार नहीं है दैट एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मीन्स समृद्धि, पैसा, धन, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज, के एक परिवर्तन ला देगा, इन यू तुम में, व्हाट इट हैज डन, जो ये कर चुका है, वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू, ये बड़ा कठिन था तुम्हारे लिए, टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, की एक दोस्त की मदद करना, डाउन ऑन हिज लक, जो कि जिसका डाउन लक था, दुर्भाग्य था, अच्छे दिन नहीं थे, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो मेरे स्रोत हैं बड़े सीमित हैं, वट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास एक कल्पना है, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज, जिसका हिस्सा मैंने यूज किया, इन रिट्रीब्यूशन, एक रिट्रीब्यूशन के लिए, एक प्रकार के दंड के लिए, ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुम्हारा अनफीलिंग बिहेवियर था, व्यवहार था, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम ठीक हो जाओगे, ए नॉवल आई हैव रिटन, मैंने एक नॉवल लिखा है, इज बींग कंसिडर्ड, उसको समझा जा रहा है बाई ए पब्लिशर, एक पब्लिशर के द्वारा, इफ ही लाइक्स, यदि वह पसंद करेगा, इट एंड अप, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, ये कहना चाह रहा है, इसका ये अर्थ है, योर्स चुन्नीलाल। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, ये सब वापस आ गया जब मैं वापस आया रांची से, ए यूनिक केस, एक अद्भुत केस, सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट, मैं इसके बारे में लिखूंगा इन ए मेडिकल जर्नल, मेडिकल की जो जर्नल होती है, पत्रिका होती है, द रीजन, कारण, वाई आई सेंट फॉर यू, कारण जो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया, सेंट फॉर मीन्स बुलाया, सैड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप, मेरे जो हिप है उसमें मुझे पेन हो रहा है, कुल्लों में पेन है, फ्रॉम ए फॉल, गिरने से, आई हैड इन रांची, जो रांची में हुआ था, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब, यदि कुछ लिख सको ए पेन किलर, एक पेन किलर के बारे में, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर को पढ़ें, अच्छी तरह देखें, वीडियो में, बुक में भी पढ़ें और बार बार वीडियो देखें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछें। थैंक यू।